हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर कुछ एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019 रिपोर्ट, अरेबियन सी ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट सॉ अ 400% राइज इन साइक्लॉन्स, अ रिकॉर्ड दैट इज रिपीटेड ओनली आफ्टर 1902। विच फाइव साइक्लॉन्स हिट अरेबियन सी इन 2019 में पांच साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस देखी गई थी अरेबियन सी में, जिसे हिंदी में हम चक्रवाती तूफान कहते हैं। इससे पहले 1902 में एक ही साल में पांच बार इस तरह के तूफान अरब सागर में विटनेस किए गए थे, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड था। यूजुअली अरेबियन सी में एक साइक्लोन आता है एक साल में, बट द अरेबियन सी हैज़ रिकॉर्डेड फाइव साइक्लोन्स लास्ट ईयर इन 2019, इक्वलिंग 117 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड। उन साइक्लोन्स के नाम क्या हैं? वायु, हिक्का, कयार, महा एंड पवन। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच मेजर टेक कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्लान्ड टू कट मोर देन हाफ ऑफ कार्बन एमिशंस अक्रॉस इट्स सप्लाई चेन बाय 2030। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक अपने कार्बन एमिशन, हिंदी में बोले तो कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि 1975 से लेकर, व्हेन दिस कंपनी वाज फाउंडेड, तब से लेकर 2050 तक कंपनी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितना भी कार्बन एमिशन किया है उसे रिमूव करने का डिसीजन लिया गया है। एंड दिस पुट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑन अ पाथ एज अ कंपनी टू मीट द गोल्स सेट इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस जलवायु समझौता है क्या? 2015 में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 195 कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इकट्ठा हुई पेरिस फ्रांस में टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स। काफ़ी देशों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया और ये तय किया गया कि इस शताब्दी के अंत तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो इससे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे और पानी और खाने की भी किल्लत होगी। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट 4 नवंबर 2016 में साइन किया था। करंटली इस एग्रीमेंट में 197 कंट्रीज़ हैं और सीरिया आखिरी देश था जिसने इस समझौते पर साइन किया था। इस एग्रीमेंट के अंडर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कमी लाने के अलावा ये भी डिसाइड किया गया था कि इससे जुड़ी जो भी कंट्रीज़ हैं वो हर 5 साल में रिव्यू करेंगी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे हैव मेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड पुट फॉरवर्ड न्यू targets with the goal of further driving down emissions. Another important point is United States is agreement se withdraw kar raha hai. On 4th November 2019, US began the process to withdraw from Paris Agreement and as per the terms of the agreement, the withdrawal will take effect 1 year from delivery of the notification. Now let's move to the next question. Question number 3 is, which of the following states has launched मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 27 जनवरी 2019 ताकि जो विलेजेस हैं उनमें बारिश का पानी बाहर जाने की बजाय गांव में रह रहे लोगों, पशुओं और खेतों में काम आए। फोर्थ क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन व्हाट द क्योटो प्रोटोकॉल सेट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर द ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। Before answering this question, it is important to know that what Kyoto Protocol is. Kyoto Protocol is an international treaty which was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and it came into force on 16th Feb 2005.
It was implemented with an objective to reduce greenhouse gas concentrations in the atmosphere, and it applies to 6 greenhouse gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulfur hexafluoride. इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो था दैट वाज फ्रॉम 2008 टू 2012 एंड कनाडा वाज द फर्स्ट सिग्नेटरी टू अनाउंस इट्स विथड्रॉल फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल इन 2011. सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड इन 2012 नोन एज दोहा अमेंडमेंट्स टू क्योटो प्रोटोकॉल. नाउ हियर द ऑप्शंस गिवन आर हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट्स, नाइट्रोजन इक्विवेलेंट्स. The correct answer is carbon dioxide equivalents. Carbon dioxide equivalents का मतलब क्या है? Carbon dioxide equivalent, it is a term for describing different greenhouse gases in a common unit. It is the measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global warming potential. That is GWP. GWP क्या है? GWP is the heat absorbed by any greenhouse gas in the atmosphere as multiple of the heat that would be absorbed by the same mass of carbon dioxide. GWP is 1 for carbon dioxide. For other gases, it depends on the gas and the time frame because all the gases do not contribute to the greenhouse effect to the same extent और ना ही वो same time period के लिए atmosphere में रहती हैं. So like GWP, there are other metrics also like global temperature change potential, GTP, to compare gases. जहाँ GWP estimate करता है amount of heat absorbed by the gases, GTP estimates the resulting rise in average surface temperature of the world over next 20, 50 and 100 years caused by a greenhouse gas relative to the temperature rise which the same mass of carbon dioxide would cause. Coming on to the next question, fifth question is the headquarters of the International Solar Alliance is situated in which of the following places in India? International Solar Alliance is an alliance of 121 countries initiated by India. Main objective is alliance ka ye hai ki hum फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंस है वो कम करें और सोलर एनर्जी विच इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसके यूज़ को इंक्रीज करें. दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ईयर 2015 इन पेरिस फ्रांस और जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा. Next question is under how many agreements fluorochemicals are regulated. So fluorochemicals kya hai? Fluorochemical is a chemical compound that comprises fluorine. Fluorochemicals bahut sari industries mein use hote hain jaise aluminium production mein, refrigeration mein. Aur ye jo fluorochemicals hote hain these are fire resistant, heat resistant, stain resistant and are used in hundreds of consumer products like raincoats, rain boots, popcorn bags, dyes. इन एग्रीकल्चर जैसे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है एज वेल एज इन फायर फाइटिंग. बट सम ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड एंड हार्म द एनवायरमेंट. वन सच एग्जाम्पल इज फ्लोरोकार्बन्स. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, फ्लोरोकेमिकल्स आर रेगुलेटेड अंडर टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2. Seventh question is, in which of the following places of India geothermal energy sources have been found? Geothermal energy kya hai? Geothermal energy is the heat derived within the subsurface of the earth. Geo means earth, thermal means heat. Water ya fir steam ye energy carry karti hai to the earth's surface. There are major 6 potential sources ya regions where geothermal energy can be harnessed in India and these are Himalayas, Cambay, West Coast Sonata, that is Son, Narmada, Tapi Zone and Godavari. Now here the options given are Godavari Delta, Himalaya, West Coast and all of the above. So here the correct answer is option D, all of the above. Next question is, which products contain ozone depleting substances? Now ozone depleting substances hai kaun kaun se? These are chlorofluorocarbons,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म. एंड दीज आर यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, सॉइल ट्रीटमेंट, पेस्ट कंट्रोल, फायर फाइटिंग एट्सेट्रा. नाउ हेयर द ऑप्शंस आर मोटरबाइक, कार विद एसी, स्प्रे, ओवन, रेफ्रिजरेटर, पेस्टिसाइड्स, सेवेंथ इज फायर एक्सटिंग्विशर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Ozone depleting substances are found in cars with AC, then oven, refrigerator, pesticides and fire extinguishers. Next question is, when was the first ozone hole discovered? The correct answer is option D, 1985. The ozone hole was discovered in the year 1985 by Jonathan Franklin, Joseph Farman and Brian Gardiner. डॉब्सन यूनिट इज़ अ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर की थिकनेस हम डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं. इट इज़ द नेम गिवन आफ्टर प्रोफेसर नेम्ड जी एम बी डॉब्सन, हु हैज़ फ्रॉम 1920s ऑनवर्ड्स डन रिसर्च ऑन ओजोन लेयर. ओवर द अर्थ सर्फेस द ओजोन लेयर्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 300 डॉब्सन यूनिट्स और 3 millimeters. इट्स थिकनेस वेरी सीजनली एंड जोग्राफिकली. इट इज़ थिनर नियर इक्वेटर एंड थिकर नियर द poles. Another important point regarding ozone is that it is mainly found in the stratosphere from approximately 5 to 35 kilometers above Earth. It was first discovered in 1913 by French physicist Charles Fabre and Henri Buisson. And 16th September is designated as the World Ozone Day. So these are a few important points that you should know about ozone and ozone layer. Baki correct answer hum aapko already bata chuke hain. It's 1985. The first ozone hole was discovered in year 1985. Next question is, in which sphere ozone layer depletion is found? Here the options are ionosphere, stratosphere, lithosphere or none of these. Now as already told, जो ozone layer है वो ज़्यादातर पाई जाती है stratosphere में. So here the correct answer is option B, stratosphere. 11th question is, Montreal Protocol is related to the global warming, ozone layer depletion, sustainable development or फूड सिक्योरिटी. दीज आर दी ऑप्शंस गिवन. तो पहले ये जान लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बाय एलिमिनेटिंग दी सब्सटेंसेस और केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन. और ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट है इट वॉज साइंड ऑन 16 सितंबर 1987 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989. और इसलिए तब से 16 सितंबर एज वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है. एंड सिंस देन इट हैज़ अंडरगॉन 5 amendments. द लंडन अमेंडमेंट 1990, द कॉपनहेगन अमेंडमेंट 1992, कॉपनहेगन इज अ सिटी इन डेनमार्क, द मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट इन 1997, मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन कैनेडा, द बीजिंग अमेंडमेंट 1999, द किगाली अमेंडमेंट 2016. The last meeting which was held on October 2016, almost 197 countries adopted an amendment to phase down hydrofluorocarbons under Montreal Protocol in Kigali. Agar Indian context mein baat kare to India signed Montreal Protocol on 19 June 1992. The Montreal Protocol aims to phase out 96 ozone depleting substances used in thousands of products across more than 240 industrial sectors. Now coming on to the question, Montreal Protocol is related to the correct answer is option B, ozone layer depletion. 12th question is, chlorofluorocarbons are greenhouse gases that have caused a rise of 3 degrees Celsius in the global temperatures in the past century. Name the chlorofluorocarbon that is used in refrigerators. The options are carbon dioxide, methane, ammonia and freon. The correct answer is option D, freon. Let's try to know more about freon and other cooling agents that are used in refrigerators. Freon
is a chlorofluorocarbon. It is the coolant agent which is used in most air conditioning system. Every air conditioning system needs a refrigerant, also called a coolant, that actually creates the cool air. That is the role of Freon. Freon was actually a brand name for a refrigerant, R12, which is a colorless and odorless gas. In 1990s and 2000s, the chlorofluorocarbons were replaced with hydrochlorofluorocarbon, and most common hydrochlorofluorocarbon is R22. Hydrochlorofluorocarbons are just marginally better than chlorofluorocarbons as they contain chlorine, which is harmful for the environment. As per Indian government's plans, hydrochlorofluorocarbons will be phased out from India by the year 2030. To remove chlorine from the refrigerant, manufacturers created another set of refrigerants called hydrofluorocarbons. Although they also have the potential for global warming, but still they are better than hydrochlorofluorocarbons as they do not deplete the ozone layer. The most common hydrofluorocarbons used in air conditioning is R410A. Few more hydrofluorocarbons commonly used are R32 and R134A. India plans to phase out hydrofluorocarbons as well in next few years. The most environment friendly refrigerants that are available in Indian market currently are R290 and R600A. They are hydrocarbons and their chemical names are propane for R290 and isobutane for R600A. They are halogen free, no ozone depletion potential, and lowest in terms of global warming potential. They are highly flammable and they are hydrocarbons. Most refrigerators in the Indian market are now on R600A. Next question is, what is an ozone molecule formed from? 3 oxygen atoms, 3 carbon dioxide atoms, 2 carbon dioxide atoms, or 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Now here the correct answer is option A, 3 oxygen atoms. Ozone is composed of 3 oxygen atoms, O3. Ozone is both neutral and man-made. It occurs naturally in small traces, in small amounts in the upper atmosphere, that is stratosphere, or इसीलिए stratospheric ozone is also called good ozone. और ozone layer protect करती है earth को from UV radiations by sun. Lower atmosphere में भी, that is troposphere में भी ozone पाई जाती है, where it is formed by chemical reactions between air pollutants from vehicle exhaust, gasoline vapors and other emissions. Now this is bad ozone, जो इस layer में पाई जाती है troposphere में, वो bad ozone है, since troposphere lowest layer है atmosphere की और earth के काफ़ी पास है. जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में. और ट्रोपोस्फेयर में नियर द अर्थ सर्फेस द नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ अबाउट 10 पार्ट्स पर बिलियन. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंगली ये अगर 70 पार्ट्स पर बिलियन से ऊपर जाता है, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज फॉर ह्यूमंस ऑल्सो. Coming on to the next question, the total amount of ozone in the atmosphere above a point on the Earth's surface is measured in. Now, as already told, Dobson unit is a measure of the thickness of the ozone layer. So here the correct answer is option B, Dobson unit. 15th question is, what does UNEP stand for? Correct answer is option C, United Nations Environmental Program. United Nations Environmental Program was founded in 1972 by Canadian businessman and philanthropist Maurice Strong. Since its foundation, it has helped to create or implement environment treaties and institutions. It also aims to help world meet 17 sustainable development goals. Its headquarters are in Nairobi, Kenya. Coming on to the next question, ozone can be destroyed by the following free radicals. Options are chlorine radical, hydroxyl radicals, nitric oxide radicals, or all of these. See, ozone can be destroyed by a number of free radical catalysts. Catalysts kya hota hai? Catalysts are the substances that increase the rate of reaction without itself being consumed. जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं फ्री रेडिकल्स, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोक्सिल रेडिकल.
नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल. ऑल दीज आकर नेचुरली ऑल्सो एंड दे आर मैन मेड ऑल्सो. मेनली ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स हैं इनका लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. दीज एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट O3 टू O2 जिससे ओजोन का लेवल या अमाउंट एटमोसफेयर में डिक्रीज होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. 17th question is the most abundant gas on the Earth's atmosphere is A. Oxygen, B. Carbon dioxide, C. Nitrogen or D. Hydrogen. सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस पाई जाती है एटमोसफेयर में वो है नाइट्रोजन. इट अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ एटमोसफेयर. देन इज ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन 0.9%, देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद फिर आता है आपका नियॉन, हीलियम, मिथेन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. ये हम अर्थ एटमोसफेयर की बात कर रहे हैं. अगर यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स. और सन ऑल्सो बाय मास इज अबाउट 70% हाइड्रोजन एंड 27% हीलियम. 18th question is the injection of fertilizers used for soil amendments, water amendments and other water soluble products into an irrigation system is termed as ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी फर्टिगेशन, ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन और ऑप्शन डी फॉलियो फीडिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फर्टिगेशन. फर्टिगेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन. इसमें लिक्विड या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं और ड्रिप सिस्टम के थ्रू जो रूट्स हैं प्लांट्स की वहाँ तक ये पहुँचाए जाते हैं ताकि प्लांट्स को उतना ही न्यूट्रिएंट मिले जितनी उनको ज़रूरत है और हर क्रॉप को इवनली फर्टिलाइजर्स मिले. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप की सिंचाई होती है पानी या खाद को उनकी डायरेक्ट जड़ों तक या रूट्स तक पहुंचाकर. इसे ट्रिकल इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन या लोकलाइज्ड इरिगेशन भी कहते हैं. एक और टर्म हम यहाँ देख सकते हैं फॉलियर फीडिंग. फॉलियर फीडिंग होता है जिसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डायरेक्ट लीव्स पर स्प्रे किए जाते हैं. सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन इरिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लॉन्च्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2008. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 30th June 2008. It focuses on 8 missions: National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, Green India Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. So these are the 8 missions under National Action Plan on Climate Change. Next question is, till date how many conference of parties, COPs, have taken place? United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, एक International Environment Treaty है which seeks to reduce atmospheric concentrations of greenhouse gases. So, जो भी countries इनसे associated है, they meet annually in COP, that is Conference of the Parties, to assess progress in dealing with climatic change. First COP was held in 1995 Berlin and till now 25 COPs has taken place. Last जो हुई थी, वो 2019 में हुई थी, Spain में. So correct answer here is option D, 25. The 26th COP honi thi November 2020 mein in Glasgow, UK. But due to COVID-19 pandemic, it has been postponed to November 2021. 2001 mein ye COP do baar hui thi, ek baar Germany mein aur ek baar Morocco mein. And India mein 2002 mein New Delhi mein COP 8 conduct ki gayi thi. So these were few important questions and topics on environment that we discussed in this video. हम ऐसे और questions and videos लेकर आते रहेंगे environment पर भी और UGC NET के बाकी के topics पर भी.
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ईच टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल. यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट फॉर फ्री स्टडी मटीरियल ऑन UGC नेट पेपर 1. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So you can go there and study from the notes, MCQs and mock tests all for free. Thank you for watching.